नमस्ते डियर फ्रेंड्स, लीफ पेंटिंग बनाना बच्चों को बहुत ही पसंद है, लेकिन बच्चे जब लीफ पेंटिंग बनाते हैं उनका तरीका कुछ अलग होता है, अलग तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि वो बच्चे डायरेक्ट मतलब लीफ के ऊपर ब्रश को चलाना उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत या कॉम्प्लिकेशन होता है, इसलिए अलग तरीके से उन्हें सिखाना चाहते हैं। उसके लिए ऐसा लगता है, देखिए ये तो ये रह गया मेरा लीफ नेट, हाँ ये है लीफ नेट, सिंपल सा नेट है। तो पहले जो करना है वो है एक सफ़ेद रंग का कोई कार्डबोर्ड वगैरह लेना है, लेके उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, कोई भी जो भी पिक्चर अच्छा लगे उसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करने के बाद ग्लू से, फेविकॉल या कोई ग्लू से उस लीफ को उसके ऊपर इस तरीके से लगाना है। पहले ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, फिर ग्लू के साथ ऑब्जेक्ट को लीफ के साथ उसकी उसी के साइज़ के साथ ऑब्जेक्ट को बनाना है। अगर मेरा लीफ का साइज़ 5 इंच है तो मेरा ऑब्जेक्ट 4 या 3 इंच होगा। इस तरीके से हमको एक मेजरमेंट करने के बाद ही बनाना है। तो इस तरह से हम आज बनाना चाह रहे हैं बार्बी डॉल या बच्चे की कोई डॉल की एक पिक्चर। इस पेंटिंग को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक्रेलिक कलर का। वहाँ पे हम इस तरह का देखिए, ये है एक्रेलिक पर्ल कलर, जहाँ पे कुछ ग्लॉसी है, एक ग्लॉसी कलर, क्योंकि डॉल बनाएंगे ना तो ग्लॉसी कलर अच्छा लगेगा, खिलेगा। और एक बेस के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो है प्लेन एक्रेलिक, प्लेन एकदम सिंपल सा एक्रेलिक, और ये है पर्ल का, ये मेटेलिक पर्ल नहीं, सिंपल पर्ल का यूज़ करेंगे। ये है सिंपल प्लेन एक्रेलिक और फैब्रिक कलर, जिस आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे हम बेसिक बनाते हैं और इससे डेकोरेशन करते हैं फॉर डिटेलिंग। अब हम दिखाना चाहते हैं कि डॉल का स्किन कलर क्या होना चाहिए, क्योंकि डॉल है, बार्बी डॉल का जो कम्प्लेक्शन है थोड़ा सा खिला खिला पिंक सा लगता है। तो उसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं वाइट, येलो और एक बिंद थोड़ा सा रेड कलर। तीनों का कम्बिनेशन हम एक साथ करेंगे, करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो है ये, इस तरीके से। एक बात ध्यान में रहना चाहिए, इसमें पानी मत ऐड कीजिएगा। अगर पानी ऐड करते हैं, क्योंकि लीफ है, पानी खिसक जाता है और सोक नहीं करता है, इससे क्या होता है पेंटिंग पूरा ख़राब हो जाता है। तो हम स्किन कलर का अप्लाई थोड़ा सा कर रहे हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिए। हम स्टार्ट करना चाहेंगे इसका इस पर्ल से, थोड़ा सा इस तरह से फैलेगा कलर। अगर हम थोड़ा सा पानी दे देंगे तो एकदम खराब हो जाएगा, फैल जाएगा और आपका पेंटिंग सारा खराब हो जाएगा। सो डोंट ऐड वाटर, एक्स्ट्रा ऐड विथ कलर। अब देखिए टेक्सचर स्किन कलर का आ ही रहा है, क्योंकि डॉल है, डॉल का कलर थोड़ा सा पिंकिश खिला खिला सा होता है, ध्यान में रखिएगा। बहुत धीरे से ब्रश को घुमाइएगा। हम यहाँ पे, आपने तो देख ही लिया कि मैं अभी कलर कर रही थी, स्किन कलर हमने बॉडी का कलर कर लिया है। अब मुझे ज़रूरत है तो इसे ब्लैक की, हाँ ब्लैक का ज़रूरत है। तो मैं तो ब्लैक यूज़ नहीं करती, मेरा ये एक प्रिंसिपल है कि मैं अपने जो भी पेंटिंग है उसमें मैं ब्लैक के यूज़ नहीं करती, लेकिन मुझे ब्लैक का ब्लैक बनाना है। तो ब्लैक बनाने के लिए मैं जो करूँगी थोड़ा सा ब्लू और चॉकलेट ब्राउन का यूज़ करूँगी। यहाँ पे देखिए हमने ये ग्रीन का, ये ब्लू का सॉरी, और इस ब्राउन कलर का हमने
यूज़ किया है। ये दोनों का अगर हम मिक्स करते हैं तो देखिए ये ब्लैक तरीके का एक कलर आ जाता है, ब्लैकिश। हाँ, हम इसी से ब्लैक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ब्लैक का यूज़ हम पेंटिंग में नहीं करेंगे। तो अब मुझे जो करना है ये है डिटेलिंग, तो हम थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग करेंगे और आपके साथ। ये हमने थोड़ी बहुत कंप्लीट कर ली, लेकिन इसे और भी डिटेलिंग करना है बाद में। तो हमने जो भी किया, जीरो साइज़ का ब्रश का यूज़ किया और कलर यूज़ किया ओनली एक्रेलिक सॉफ्ट, जो हमने पहले बताया था। तो फेस में हम जब भी यूज़ करेंगे एक, मतलब एक ही साइज़ का डिटेलिंग करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक कलर ड्राई होने के बाद फिर दूसरे कलर का इम्प्लीमेंट हम करते हैं। ऑलवेज़ जब हम इस डिटेलिंग को करेंगे 2 and 0 साइज़ का ब्रश यूज़ करेंगे। और आफ्टर दैट हमने ये जो किया है, हमने इसका यूज़ किया हुआ है, इसका यूज़ करके हमने ग्लिटरिंग किया हुआ है, सिर्फ इसके जो हमने गले में डाला है इसको थोड़ा सा ग्लिटरिंग किया हुआ है। बस यही किया है हमने, बहुत सिंपल। बच्चे को सिखाइए, बहुत सिंपल है, बच्चे के लिए ये लिप पेंटिंग है, बड़ों के लिए प्रोसेस तरीका कुछ और है। ये है हमारा अल्टीमेट लिप पेंटिंग।